आगामी सर्दियों के मौसम में सरसों की मांग और बढ़ेगी और इस तेल का और कोई विकल्प भी नहीं है जिसका सोयाबीन की तरह आयात किया जा सके। इस स्थिति के कारण सूत्रों का कहना है कि सरकार को सरसों की अगली बिजाई के लिए अभी से ही बीजों का इंतजाम कर लेना चाहिए। वहीं खाद्य नियामक FSSAI द्वारा सरसों तेल में आयातित सहित अन्य सस्ते तेलों की मिलावट पर रोक लगाने के कारण भी सरसों तेल तिलहन की कीमतों में सुधार आया है। सरसों की त्योहारी मांग है जबकि कुछ किसानों को छोड़कर किसी के भी पास सरसों का स्टॉक नहीं है। सहकारी संस्था हाफेड और नेफेड के पास भी इसका स्टॉक नहीं है क्योंकि उनकी इस साल खरीद नहीं की गई। हाजिर बाजार में सरसों की ऊंची कीमतों के चलते हैफेड और नेफेड ने सरसों की खरीद नहीं की। सरसों की मांग ज़्यादा और मंडियों में आवक बेहद कम है। इस स्थिति की वजह से सरसों तेल तिलहनों के भाव में सुधार आया है। सूत्रों का कहना है कि समीक्षाधीन सप्ताह से पिछले सप्ताह में सरसों की आवक लगभग 2.25 लाख बोरी प्रतिदिन की थी जो समीक्षाधीन अवधि में घटकर 1,60,000 बोरी रोजाना की रह गई। इस कारण भी सरसों की कीमतों में कुछ सुधार देखने को मिला है। वहीं ग्लोबल सरसों के उत्पादन की बात करें तो ये 13 साल के निचले स्तर पर पहुंचा है। 2021-22 में ग्लोबल सरसों उत्पादन घटकर 620 लाख टन संभव है। वहीं बात करें अगर सरसों के स्टॉक की तो भारत में अभी सरसों का लगभग 30 लाख टन का स्टॉक मौजूद है और सरसों की नई फसल आने में लगभग 4 से 5 महीने का समय अभी बाकी है। जानकर अभी यही अनुमान लगा रहे हैं कि जिस हिसाब से सर्दियों में सरसों तेल की खपत बढ़ने वाली है और किसान सरसों को रोक रोक कर मंडियों में ला रहे हैं और देश में इसका स्टॉक कम बचा हुआ है, इसकी कीमतों में अभी और तेजी देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।